गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा। गणित में आज आपको बी भी हम दशमलव संख्याएं कि 2.1 करवाने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है हल दीजिए, इसके अंदर पहला है 2 - 3/5। अब देखिए सबसे पहले यहाँ दो के नीचे लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे यहाँ पर ए, और ए को 5 बार लेते रहेंगे तो आएगा अपने पास 5। एक का भाग करके 5 कितनी बार जाएगा, 5 बार 5 को 2 से गुणा करें कितना आया 10। या बीच में दो चीज है वो भी हम उतार देंगे, 5 का भाग 5 कर देंगे कितनी बार जाएगा बच्चों, एक बार, और एक को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3। अब यहाँ देखेंगे 10 में से 3 जा रहा है तो क्या बन रहा है 7/5। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से इसी का दूसरा क्वेश्चन 4 + 7/8 वही 4 के नीचे लिखेंगे ए, 8 क्या है आपके पास एलसीएम आ गया है, 1 का भाग 8 में देंगे 8 बार जाएगा, क्योंकि 1 का जिस किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है जितनी जो संख्या होती है उतनी ही बार भाग आता है, 1 का भाग 8 में देंगे 8 बार जाएगा, 8 को 4 से गुणा करेंगे 832, 8 का भाग 8 में देंगे वही आएगी, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7, 32 + 39/5। आपको ये लेना करके आंसर यही सीमित करना है। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताने जा रहा हूँ 3/5 + 2/7। 3/5 + 2/7। अब ध्यान देंगे यहां पर दोनों का भिन्न है, अभी तक तो क्या था अपने पास एक जगह यहां पर इसके पर एक मान लेते थे, पर यहां दोनों भिन्न दोनों भर अलग अलग थे इसलिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 33। अब 5 का भाग 33 में देंगे 7 बार जाएगा, 7 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 21, 7 का भाग 5 में देंगे 33 में दोगे सॉरी 7 का भाग 33 में देंगे 5 बार आएगा, 5 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 5 को 2 से गुणा करेंगे सॉरी 10, 21 और 10 31/33। इसी का चौथा सवाल आपके समक्ष, अब तक अपन ने दो अंकों के किए थे 100 और 3 अंकों के कर रहे हैं 7/10 + 2/5 + 3/1। अब इन नीचे घरों का अपन कैसे देंगे तो देखिए 10 का 5 का और 2 का वैसे कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10, 10 का भाग 10 में लीजिए 1 बार जाएगा, 1 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा 7, 5 का भाग 10 में लीजिए 2 बार जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4, और 2 का भाग 10 में लीजिए कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 + 4 = 19, 19 + 7 = 26, इसको बोलेंगे 26/10। और इसी का पांचवा सवाल 9/11 किस दो संख्या का है -4/15। अब 11 को अगर का मल्टीप्लाई करेंगे या कैसे लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15 × 15 = 16, 11 का भाग देंगे ये संख्या आएगी 15 × 15 = 135, और यहां देखिए 15 का 11 बार जाएगा 14, इसको घटा देंगे 5 में 4 जाएगा 1 और 13 में 4 जाएगा 9। तो देखिए ध्यान से ठीक है। अगला प्रश्न, इसी का छठा प्रश्न,
ध्यान देंगेगा क्वेश्चन नंबर 6 दो सही दो बटावा तीन प्लस तीन सही एक बटावा सबसे पहले अपन इसको अनुसूचित में बदलेंगे तीन को दो से गुणा करेंगे तीन दूनी छह छह में दो जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों आठ यहाँ तीन को फिर दो से गुणा करेंगे तीन दूनी छह छह एक सात यहाँ इधर ऐसा आ जाएगा छह तीन का भाग छह बदलेंगे दो बार जाएगा दो को आठ से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा सोलह दो का भाग छह बदलेंगे तीन बार जाएगा तीन को सात से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा इक्कीस छह एक सात दो एक तीन और आज का हमारा आखिरी सवाल इसी का साथ का सवाल प्रकार से है आठ से एक बटा दो माइनस तीन से पांच बटा आठ आठ दूनी सोलह और एक सत्रह बटा दो आठ या चौबीस और पांच उनतीस बटा आठ कितनी बार जाएगा चार बार सत्रह चो अठसठ आठ एक आठ उन्तीस आठ में दो नहीं जा सकता तो यहां से एक लेंगे यानी दो आठ देंगे अठारह करेंगे अठारह में जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास नौ या मध्य आपके